अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अभी आया नहीं और इन लोग को चाहिए कि ये पैकेट खोले। मुझे ये ऑफिस से गिफ्ट मिला है, हैप्पी न्यू ईयर का, न्यू ईयर का गिफ्ट है ये। और इन लोग अब बोले नहीं व्लॉग स्टार्ट करो, हम लोग को खोलने का, आज ही खोलने का। और ये हाँ, ये दिखाओ ये। सो जरा भी सबर है नहीं इन लोग को। और ये सब चॉकलेट्स वो मैं बोला कि कल व्लॉग स्टार्ट करते नहीं, अब भी करो, अब भी मेरे को खोलना है। एक्साइटमेंट हो रही, इसमें क्या है देखने का है। साजिद की कंपनी गाइस बहुत बढ़िया माशाल्लाह, लेकिन हम लोग रिवील नहीं कर सकते क्या कौन सी कंपनी है। आप लोगों देख के पहचान जाओ, पहचान सकते तो पहचान जाओ। पिल्सबरी। तो अभी ये ओपन करिए इशरत, पीछे अजान हो रही है, बिकॉज शम्स को लेट हो रहा है, इसलिए हम लोग जल्दी से ये गिफ्ट ओपन कर रहे हैं। शम्स को ट्यूशन जाने का गाइस। तो अभी इशरत ओपन करिए, मैं आपको गिफ्ट दिखा देता हूँ। ये वो गिफ्ट का बॉक्स है, बस लो ओपन करिए। कब ओपन करेंगे क्या मालूम। तो ये डेयरी मिल्क सिल्क, जल्दी खोलो इशरत। और ये तो बॉक्स है, आराम से आराम से, स्लो स्लो। सो पहले ये किचन निकला है, ये देखिए किचन, ये पाउच, ये पाउच है। ओ अच्छा पाउच है यार। ये सिपर, ये छोटू सा सिपर ओपन करो। ये देखो, ये बटन से ये ओपन होता है, ये बटन से ओपन होता है, मस्त है यार। और ये है क्या लेकिन, लेकिन इसमें भरने का कैसा वो देखेंगे बाद में, कुछ समझ में। और दिखाओ क्या निकला है। और ये एक निकला हैप्पी न्यू ईयर का गॉगल पाउच है, आई थिंक सो। हाँ ये चश्मे के लिए है, गॉगल पाउच राइट। देन ये भी पाउच ही है, बड़ा पाउच है, बट ये किस काम में आता है मुझे नहीं पता। और ये भी पाउच है आईडी कार्ड के लिए, मेरे को लगता है। हाँ ये आईडी कार्ड के लिए पाउच है, मेरे को लगता है इस बार सब पाउच ही पाउच मिल गए। एंड ये है ये डायरी, अरे हाँ ये तो डायरी है, ये डायरी है। नहीं 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 यूज नहीं करने का, वो रेडा के काम की डायरी है, मालूम है, यूज नहीं करना। ये डायरी है। और ये क्या है, ये भी बेल्ट है। एंड ये जनरल मिल्स का किचन मिला है गाइस, मस्त है। ये देखिए जनरल मिल्स का किचन, जनरल मिल्स इज वेरी बिग कंपनी माशाल्लाह। अल्लाह ने साजिद को इतनी अच्छी जॉब दिए है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ना कुछ तो साजिद ने अच्छी कुछ अच्छा चीज किए होंगे जो इतनी बड़ी कंपनी में साजिद को। मैं भी सोचता हूँ कि अल्लाह का करम है बस, नहीं तो उस लायक नहीं था मैं जो जॉब मिली है मुझे। अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी, फूड कंपनी है माशाल्लाह। फर्स्ट जॉब भी मिली थी और अभी तक मैं यहाँ आई हूँ। हाँ कितने साल हो गए, अराउंड 6-7 साल हो गए ना अमेरिका की कंपनी में। उधर के लोग भी बहुत, हाँ 6-7 साल हो गए मुझे यही सेम कंपनी में, 7 साल हो गए। उधर के लोग भी बहुत अच्छे और साजिद तो एनवायरनमेंट भी वहाँ का बहुत अच्छा, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। उन लोग से ही है, फॉरेनर लोग से ही है, तो उन लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे। हम लोग को लगता था कि फॉरेनर लोग बहुत एटीट्यूड वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं। बल्कि मैं आपको एक बात बोलूँ ना, रोज बात करते हैं ना साजिद। हाँ रोज रोज मैं देखती हूँ ना वीडियो कॉल पे, उन लोग इतने हंस हंस के बात करते हैं ना, देखे ना इतने अच्छे से, इंडियन से भी अच्छे रहते हैं वो लोग। तो मैं बातों में इतने अच्छे रहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छे से बात करते हैं ना, घमंड ना कुछ, इतने प्यार से बात करते हैं ना और आपको इतने अच्छे से ट्रीट करेंगे। इंडियन लोग से भी ज्यादा अच्छे से, डबल अच्छे से मैं तो बोलूंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है 7 इयर्स का। चलो गाइस मैं थोड़ी टाइम बाद मिलती हूँ, शम्स को जाना है, अजान भी हो रही है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। तो आपको कैसे लगे प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, लेकिन अजान हो रही, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, आगे कंटिन्यू करेंगे। अगली सुबह हो चुकी है और यहाँ पे डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें इंजेक्शन चढ़ाया जा रहा है। देखो डैडी के पैर कितने सूज गए, बहुत हालत डाउन है। यहाँ पे खून नहीं पड़ रहा ना, तो इनको निशान आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इंजेक्शन, शेजिन आई है, शेजिन इंजेक्शन लगा रही है। कौन सा इंजेक्शन है ये, क्या करता है ये इंजेक्शन? इंटरनल स्वेलिंग्स वगैरह या बहुत चीज़ों पे ये वर्क करता है, इंटरनल स्वेलिंग्स वगैरह जो भी रहता है उसको कम करने का हो जाता है। दिखाओ इंजेक्शन, ये कौन सा है? ये वाला यूज़ हो रहा है अभी यहाँ पे। ये पहले भी दिया था रेडी शायद तुमको, यही वाला दिया था वो, नहीं कि एक बार रहमानिया से लेके आया था मैं, कल एक बार चढ़ाए थे इंजेक्शन और आज सेकंड टाइम चढ़ा रहे इंजेक्शन। तो हुआ कुछ ये था फ्रेंड्स के रेडी की अचानक शोल्डर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि हद से ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर। रेडी क्या कितना पेन हो रहा था तुमको? बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, यहाँ से पेन होके हाथ तक पूरा आ रहा था। डॉक्टर ने बोले आपकी दो नस दबी, एमआरआई की है आगे का, तो हम लोग ने एमआरआई की, उसमें आया कि नस दबी है एक, हाँ दो नस दबी है, एक कंधे की दबी है और एक गर्दन की दबी है। अब इंजेक्शन लगा रहे हैं, रेडी डरते नहीं, बिंदास लगाते एकदम, क्योंकि बहुत बार लगा चुके रेडी इंजेक्शन से पहले भी।
और अभी मुझे लग चुका है अभी स्टार्ट हो जाएगा और अभी इसमें इंजेक्शन डाला जा रहा है। 3-4 इंजेक्शन दिए शायद से। ये क्या क्या है क्या बताए, ये भी है, ये एसिडिटी का लगता पेन कोट है और ये इंजेक्शन। तो अभी हो गई है शाम और इशरत अभी बना रही है भजिया और अम्मी क्या बना रहे हैं, अम्मी क्या बना रहे तुम? दिखाओ मैं दिखाता हूँ आपको बन रहा है, वो दिखाता मैं आपको भजिया कैसे बन रहा हूँ, पेरी शर्ट कैसे बनता है। तो ये देखिए भजिया बन रहा है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। और वहाँ पे क्या बन रहा है, ये क्या है, चिकन साटे। अरे भजिया के अंदर अम्मी ने यहाँ पे बनाया है पेरू मसाला डाल के भजिया ने कहा इसमें डाल देना, बहन लोग आए तो उन लोग के लिए बना रहे हैं नाश्ता पानी। भजिया निकालेंगे ना तो उसके अंदर डालेंगे ना तो छूटेगा। तो अभी ये चल रहा है कुछ घर में, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। इशरत क्या ऑर्डर दिया आपने? केचप और मायोनीज के लिए ऑर्डर दिया है। बहुत बिजी है इशरत, कैमरे की तरफ मुंह भी नहीं जा रहा है उसका। सास को ऑर्डर देती है भाऊ। ये देखो क्या बोल रहे अम्मी, सास को ऑर्डर देती है भाऊ। मसाला उसे मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। देखिए अम्मी दिखाओ जरा एक मिनट डिटेल में थोड़ा, ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है। तो ये सभी चीजें बहुत अच्छी लग रही है, आपने भजिया देख लिया, मैंने आपको ये चिकन साटे भी बता दिया, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखते भी। चिकन साटे आदित्य मुंह में पानी आ रहा। तो ये देखो यहाँ पे भजिया रेडी हो गया है, एकदम जूम करके दिखाता हूँ। पकोड़ा भजिया जो भी बोला जाता है, एंड देन यहाँ पे पेरू मसाले वाला, एंड देन चिकन साटे, ऊपर चीज़ डाल दिए। ये शाद आ गया यहाँ पे और ये खेले और डैडी यहाँ पे बैठे, बोले कब मुझे खाने मिलेगा, उसके फिराक में रेडी। और यहाँ पे इशरत चलो स्टार्ट कर दो तुम लोग, बाजू में बहन लोग आए तो वो लोग वीडियो में अलाउड नहीं है, तो मैं उन्हें नहीं ले रहा हूँ, कैप्चर नहीं कर रहा हूँ। चाय बना रही हूँ, मस्त घट कर चाय, ऐसी चाय है ना हम लोग बना के रखते हैं क्योंकि मम्मा डैडी को लगते रहती है। ये काली चाय नहीं है, ये चाय बनाई। देखिए क्या हो गया, देखे वीडियो में और अम्मी का पारा हाई हो गया, बोले ये क्या हो रहा है। चाय बना के रखती हूँ, ये कभी कभी बनाती हूँ, वो इग्नोर करना ऐसा होते रहता है साथ। हाँ ये हमेशा क्यों होता है, हमेशा क्यों होता है, आप ध्यान नहीं देते क्या? हाँ, नहीं देती भाई। अभी ये काली चाय जो इशरत बता रही थी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, हम लोग ये चाय है ना बना के रखते हैं, देन उसमें दूध मिक्स करके पीते हैं। हम लोग नहीं, मतलब मैं तो नहीं पीता हूँ, अम्मी अब्बा सुबह में एक टाइम पीते, उसके बाद चाय, अम्मी और डैडी ऐसा पीते रहते हैं। हाँ ये कड़क चाय रहती है जो इशरत बनाती है, कभी भी मेहमान आते तो रिक्वेस्ट आती रहती है इशरत को, भाई चाय बना दो, बहुत अच्छी इशरत ये वाली चाय बनाती है। तो ये रिक्वेस्ट अभी गई है बहन लोग की तरफ से, तो अभी जा रही है इशरत देने के लिए। कुछ उन लोग बोल रहे हैं, आप सुनते क्या बोले? मम्मा वो चाय नहीं पीते, वो कड़क रहती है। क्यों, क्या होता है, मोटे हो जाते क्या उससे? आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक है, वो बना के रखते पीते रहते, तो कोई आता है तो मैं फिर ये चाय बना देता। तो ये नाश्ता पानी पूरा खत्म हो गया, इसका मतलब सुपर बना है, राइट इशरत? इसको देखो बांध दिया गया, हाथ देखो उसके कैसे बांध दिए गए, और ऐसे ही घूम रहा है इधर उधर, टकला टकला, ए टकले, किसने बांधा? डैडी ने बांधा ऐसा बता रहा है। मम्मा खोलने की कोशिश कर रहा है, हाथ बंधे हुए उसके, देखो कैसा खोलने की कोशिश कर रहा है, नहीं खुल रहा है, ऐसे नहीं खुल रहा है। गाइस मैं काम करके बर्तन धोने हैं, हाँ ये जाओगे तो कभी लेके आओ ना। किसने तोड़ा? बहुत पहला टूट गया, ये फ्रेंच फ्राइज है, मैकेन कंपनी का फ्रेंच फ्राइज, ट्यूशन से तो उसको फ्राई करके बनने का दिखाऊंगा, मस्त टेस्टी बनता है, एकदम क्रिस्पी बनता है। क्या दिखाऊंगा, सबको पता है क्या, मैकेन का? हाँ
बहुत सारे लोग नहीं भी यूज करते, नहीं 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 भी यूज करते, लेकिन फ्रेंड्स वो इशत बोले ना बोले मैं आपको बताऊंगा कि कितना क्रिस्पी बनता है। मैकेन का एक बार ट्राई करना, अगर आपने नहीं यूज़ किया तो कोई प्रमोशन नहीं है ये, बट हम लोग का एक ये है कि हम लोग इसे यूज़ करते हैं तो एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही टेस्टी बनता है। बेस्ट फ्राइज मुझे लगता है मैकेन का सब में बेस्ट, सबको फेल करता है। और इशत अभी बर्तन धोते हुए, हाउस वाइफ हाउस का काम करते हुए, एक ब्लॉगर को देखो क्या क्या करना पड़ता है, मतलब एक हाउस वाइफ का काम आसान नहीं होता। ब्लॉगिंग करो एंड देन बर्तन दो, सब कुछ करो। तो आज इशरत के पास टाइम नहीं था तो मैंने ही सब स्टार्ट किया, मैं ही शूट कर रहा हूँ। मेरे को आज करना था, मेरे बहुत कपड़े इस तरीके, लेकिन मेरे कपड़े रह गए यार। मेरे को वही बड़ा टेंशन रहता है इस तरीके के कपड़े, इतने कपड़े रह गए ना, दो दो तीन दिन शादी तभी आपको पता ही नहीं कितने कपड़े मेरे पड़े रहे इस तरीके, फिर टेंशन हो जाता और फिर बढ़ते रहते हो। एक दिन दो दिन नहीं करूँ तो दूसरे दिन के फिर कपड़े निकल के बढ़ जाते सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है वो अभी जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वीडियो में, तो व्यूज़ आ रहे हैं माशाल्लाह। और ये सब हुआ अम्मी की वजह से क्योंकि अम्मी अभी व्लॉग्स में आना स्टार्ट किए, थोड़ा 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 आते हैं। तो अम्मी को देखने ही लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मैं चने का धार ढूंढ रही थी किधर है। और देखो मम्मा का प्याले, काली बहू ने ये प्याला तोड़ दी मेरा, इतना फेवरेट, मैं इसी में चाय पीती हूँ। अब ये कहाँ से लाएंगी बताओ, देखो ऐसा ही चाहिए प्याला, ये भी मेरे से आई थी ना, हाँ ये और काले वाली, और यही तोड़ डाली देखो, और अच्छा मेरा प्याला तोड़ती, देखो घर के बर्तन ऐसे ही तोड़ती है, ऐसी भाव। एक तो अभी तक YouTube से इनकम भी नहीं आ रही और बर्तन तोड़े जा रहे हैं घर में, वो सब हिसाब में मैं ज्वाइन कर लूंगी। जब इनकम आएंगी YouTube से तो दे देंगी इशत, है ना, क्या बोल रहे इशत? हाँ मैं हिसाब एक एक फाइल दे दूंगी, हिसाब लगा के रखती हूँ, बाद में मेरे को दे देंगी। अभी देखो मेरे को ये प्याले में चाय पीना पड़ रहा है, जो मुझे इतना खास पसंद नहीं है मेरा, वो देखो फिर से देखो, फिर से गिरा इसने कुछ ना कुछ, देखो 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 ऐसी ये वीडियो में कैप्चर हो गया सब चीजें, अभी बोलना मत। भाव के बारे में बुराई की जा रही है सास के थ्रू, ठीक है, वीडियो का टाइटल रहेगा अभी, सास के तरफ से भाव की बुराई। सब सास ही बुरी रहती है, सब सास ही बुरी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। डैडी देखो सास के साथ खेल रहे हैं, अभी थोड़ी उनकी तबीयत अच्छी हुई है बिकॉज इंजेक्शन अभी हुआ है उनका कंप्लीट, शाम में इंजेक्शन कंप्लीट हुआ ना तो तबीयत अभी थोड़ी अच्छी हुई है। आज हंस रहे हैं, फिर दो दिन क्या होगा मालूम नहीं। चाय पिला, चाय बोला बार बार, चाय बार बार, चाय तो अभी 8:30 हो गया, अभी शम्स का ट्यूशन से आने का टाइम हो गया, वो ट्यूशन पढ़ता है 6 से 8 बजे तक, और 8 से 9 उसकी अरबी रहती है। तो अभी शम्स आएगा, उसको फ्राइज बनाएंगे, तो फ्राइज बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कितना मस्त फ्राइज बनता है। शम्स ने आज मार्क्स कम लाया गाइस, उसको आता था वो भी नहीं, उसने लिखा 30 की स्पेलिंग आती थी, 30 की स्पेलिंग लिखा 31 ही नहीं लिखा, तो 10 में से 8 मार्क्स लिया उसने, 21 10 में से 8 मार्क्स आया, मैं बता दूं आपको 10 में से 8 मार्क्स है, 2 मार्क्स कम है, लेकिन उसको आता था 29 नहीं लिखा, डायरेक्ट उसने 30 लिखा। कौन खुश है? आज इसकी ननद लोग आते गए ना, इशरत की ननद लोग आते गए ना, दो नन्ने आते गए तो बहुत खुश है इशरत, भजिया बना के खिलाए मेरी बेटी हिना अपनी, उसकी ननद बहुत खुश है। ये देखो कहाँ फंस गया है ये, और चिल्ला रहा है, ये देखो देखो ये देखो कहाँ फंस गया, देखो ये गैप में, इतना सा गैप है वहाँ फंस गया, अंदर ही अंदर जाते जा रहा है। चलो निकालो इशत उसको, निकालो निकालो, अभी निकाल रहे हाँ, पूरा अटक गया, अंदर तक चले गया, निकालो निकालो निकालो, अटक गया, सीरियस हो गया मामला, हैप्पी हो गया, हैप्पी हो गया, निकल गया निकल गया, माँ बेटे का प्यार हो रहा है। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग शम्स को सरप्राइज देने वाले, उसको नहीं पता है लेकिन फ्राइज बनाए, ये देखे फ्राइज, देखो कितना क्रिस्पी बना, मैंने आपको दिखाया, हाँ अभी उसका एक्सप्रेशन देखेंगे, अब मैं फ्राइज दिखा था आपको, देखो ये देखो कितना क्रिस्पी बना है, मस्त है ना, जैसे मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगा वीडियो में, देखो ये तो ऑलरेडी, अब उसको हम लोग झूठ बोल रहे हैं, अम्मी बोल रहे हैं अंडा रोटी खिला रहे, लेकिन उसको दे रहे फ्राइज, चलो देखते हैं अभी सरप्राइज, शम्स का सरप्राइज, चल मम्मा अंडा रोटी खाने चल।
ले अंडा रोटी खा ले। अंडा रोटी के लिए कैसे नाटक करता देगा। अंडा रोटी फिर खाएगा नहीं तो फिर पप्पड़ कैसा मिलेगा। पहला पप्पड़ खाएगा तो फिर अंडा रोटी। ठीक है ठीक है दे दो। चलो दे दो। देखिए नाटक देख रहे हो उसके। चलो चलो दे दो अंडा रोटी दे दो। ये ले अंडा रोटी देख। नहीं नहीं चलो अरे गिरेगा अंडा। अरे अंडा गिर जाएगा इस उसको। अंडा रोटी देख तो एक बार। अंडा रोटी को अभी तक देखा भी नहीं। अंडा रोटी तो इसलिए देख भी नहीं रहा है वो। अच्छा देख तो कैसा अंडा रोटी नए टाइप से बनाए। नए टाइप से बनाए वो तो देख। हाँ फोफट हो गया। सरप्राइज सरप्राइज शम्स को मिला सरप्राइज। अंडा रोटी नहीं ये। वो तो हम लोग उल्लू बना रहे थे। हाँ वो बोल रहे हैं हाँ अम्मी कुछ बोलेंगे इसको। अम्मी से डरता है थोड़ा। नहीं बोलेंगे चल खा ले। चल तेरे लिए सरप्राइज। क्या रिएक्शन था एकदम। क्या रिएक्शन था एकदम जबरदस्त। फ्रेंड्स ये वीडियो लंबी हो रही है बहुत तो ये यही एंड करते हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल इशर फैमिली व्लॉग्स। और हमारी बातें कैसी लगी सब कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।